Good morning, students. I'm your English teacher Renu Sharma from your school Kids Sydney Academy. Today we will start from your book Let's Learn English. We shall overcome chapter 1. So shall we start? Okay, take your books. First chapter, we shall overcome. It means hum honge kamyab. Yes, you thought right. Hum honge kamyab, jo original song hai, written by Charles Albert. ठीक है, उसी का ये इंग्लिश ट्रांसलेशन जो हमारा चैप्टर वन है, ये उसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन है, विच इज़ ट्रांसलेटेड बाय किरजा कुमार माथुर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम समडे. हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन. और डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी शैल ओवरकम. मेरे दिल से मुझे विश्वास है, मुझे दिल से पूरी आशा है कि हम एक दिन कामयाब ज़रूर होंगे. इस चैप्टर में ये जो पोएम है, इसमें जो राइटर है, जो पोइट है, वो हमें एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं. उनका कहना है कि हम अगर हम हमारे मन में होप रखते हैं, पूरी आशा रखते हैं, पूरी पॉजिटिविटी रखते हैं, तो हम जो भी हमारे काम हाथ में लेते हैं वो कम्प्लीट ज़रूर होता है, हम उसको कम्प्लीट करते हैं. ठीक है, तो ऑलवेज़ हमें क्या रखना चाहिए, होप. ठीक है, we will walk hand in hand, we will walk hand in hand, we will walk hand in hand someday. एक दिन हम साथ साथ चलेंगे, एक दिन हम साथ साथ चलेंगे. अभी जो सेपरेशन हमारे वर्ल्ड में हमारे आसपास देखते हैं कि सब लोग सेपरेशन है, सब लोग एक दूसरे से जेलसी फील करते हैं या एक दूसरे के बारे में बुरा सोचते हैं. ये जो पोइट है उसको होप है कि एक दिन हम सब लोग साथ साथ चलेंगे. जो अभी अभी अलग अलग रास्तों पे चल रहे हैं वो सब लोग एक दिन साथ होंगे और साथ साथ चलेंगे. ठीक है, और डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव. मैं अपने दिल से विश्वास करता हूँ, मैं मुझे पूरे पूरा आशा है कि हम लोग एक दिन साथ साथ ज़रूर चलेंगे. ठीक है, वी आर नॉट अफ्रेड, वी आर नॉट अफ्रेड, वी आर नॉट अफ्रेड टुडे. हम लोग आज बिल्कुल नहीं डरेंगे, बिल्कुल भी नहीं डरेंगे. जो पोइट है वो कहना चाहते हैं कि हमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, हमें डरना नहीं है और हम बिल्कुल नहीं डरेंगे. ठीक है, और डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी आर नॉट अफ्रेड टुडे. हम आज बिल्कुल नहीं डरेंगे, हर प्रॉब्लम को हम फेस करेंगे और उससे लड़ते जाएंगे. ठीक है, देन आफ्टर जस्ट टर्न योर पेज. ओके, लास्ट टू स्टैंजास हियर. द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री, द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री, द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री समडे. जो सच्चाई है वो हमें एक दिन फ्री कर देगी, स्वतंत्र कर देगी. अगर हम झूठ बोलते तो हमारे दिमाग में कई चीज़ें होती हैं कि हमने गलत किया है और हमें कई एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं. तो जो पोइट है वो ये आशा रखता है, ये होप रखता है कि अगर हम सच बोलते हैं तो हम बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, हमें किसी का डर नहीं होता, किसी को और झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं होती है. तो ये उसका होप है कि एक दिन सब सच बोलेंगे और सब लोग जो भी डर है उनसे दूर हो जाएंगे, उनसे फ्री हो जाएंगे. और डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव. मैं पूरे दिल से ये आशा करता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन जो सच है हमें सारी परेशानियों से, सारे प्रॉब्लम से हमें फ्री कर देगा. ठीक है, वी शैल लिव इन पीस, वी शैल लिव इन पीस, वी शैल लिव इन पीस समडे. हम लोग शांति से रहेंगे. जो हम अभी आप लोग देखते हैं कि लड़ाई होती है, कभी कहीं वॉर हो रहा है, कहीं लड़ाई हो रही है, कोई किसी को हार्म पहुंचा रहा है, तो कभी ये होप रखता है, ये आशा रखता है, ये उम्मीद रखता है कि हम लोग एक दिन पूरी शांति से, पूरे प्रेम से, पूरे अफेक्शन और टुगेदरनेस के साथ हम लोग साथ रहेंगे एक दिन. ठीक है, और डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव. मुझे पूरा दिल से विश्वास है ऐसा होगा और ज़रूर होगा. ये कौन बोल रहा है, आपके राइटर, आपके पोइट. ठीक है, वी शैल लिव इन पीस समडे. हम लोग एक दिन शांति से, पूरे सुकून से हम यहाँ पे रहेंगे, जहाँ कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, कोई किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेगा, कोई किसी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं करेगा. ये पूरी पोएम आपकी फिनिश हो चुकी है. इसमें यही मैसेज देने की कोशिश कर रहा है पोइट कि आप हमेशा पॉजिटिविटी रखिए अपने साथ और साथ साथ रहिए. अगर हम लोग सब साथ हैं तो एवरीथिंग विल बी पॉसिबल. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. Thank you. Bye.